अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नौफिल सैफुल्ला मुकद्दमा आपसे अलैना बुदाबी से। आज की इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, और आपको इस हालात के रोशनी में आपको मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। लतीफ़ा वो अगर हमने इस पर देख लिया ना, सुन लिया, तो हमारे आने वाली नस्लें संवर सकती हैं। लतीफ़ा ये है कि कुछ साल पहले ना चाँद पे ना स्पेसशिप जा रही थी। जब ये दुनिया में खबर लीक होती है, साइंसदानों ने तरक्की इतनी कर ली, इंसान ने आज तरक्की इतनी ज़्यादा कर ली है कि वो आज चाँद पे जा रहा है। उसमें एक टोनी नाम का कुत्ता भी जा रहा था साथ। पूरी दुनिया में जश्न का समा होता है। जब ये आपके लैया बकर के इलाके में ये खबर पहुँचती है ना बाबा जी को, वो बदवाएँ देने लग जाता है। अल्लाह करे वो जो स्पेसशिप है वो चाँद पर ना पहुँचे। वो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, बाबा जी वो जो स्पेसशिप जा रही है आपके मुल्क से जा रही है? नहीं। उन्होंने बोला नहीं, मेरे मुल्क से नहीं जा रही। अगर वो जो साइंसदान जा रहे हैं वो आपके मुल्क से जा रहे हैं? नहीं, वो मेरे मुल्क से नहीं जा रहे। अच्छा, जो उसमें ईंधन लगना पेट्रोल के मद में या डीजल लगना वो आपकी जेब से जा रहा है? नहीं, मेरी जेब से नहीं जा रहा। उसमें जो टोनी नाम का कुत्ता जा रहा है वो आपका? नहीं, वो भी मेरा नहीं। फिर आप क्यों बदवाएँ दे रहे हैं? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि वो जो स्पेसशिप है वो चांद पे ना पहुँचे, अल्लाह करे वो बर्बाद हो जाए। उन्होंने बड़ा खूबसूरत और दो टोक जवाब दिया। कहने लगा जब वो स्पेसशिप चांद पे पहुँचेगी उसमें अगर साइंसदानों की जगह कुत्ता बाहर आ गया ना पहले, तो जमीन चांद पे जो पहले मखलूक मौजूद है ना, उन्होंने कहना चांद पे जो पहले मखलूक मौजूद है ना, उन्होंने कहना ये ज़मीन की मखलूक इस तरह की होती है, कुत्ते जैसी होती है। क्यों? कुत्ता जो है चांद पे ज़मीन की नुमाइंदगी कर रहा है, ज़मीन को प्रेजेंट कर रहा है। इसलिए जब भी आपने वोट देना है तो सोच समझ के देना। बिरयानी की प्लेट पे नहीं बिकना, सही है, मोटरसाइकिल पे नहीं बिकना। अगर पेट्रोल 40 रुपये लीटर सस्ता किया ना इन्होंने, हमारी चिमनियों से देर के 150-150 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा करना है, सही है। कभी भी आपने अपने ईमान का सौदा नहीं करना। ये अभी आपको बड़ी लालच सब कुछ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपने इनके इन झांसों में नहीं आना। वोट हकदार को देना, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे हम पूरी कौम। ये जो हमारे ऊपर अजाब अल्लाह ताला ने महंगाई की सूरत में, हुक्मरानों की सूरत में हमारे ऊपर मुसलत किया, हमें तोबा करने की ज़रूरत है। कोई असल मकसद नहीं बता रहा किस वजह से हमारे ऊपर ये महंगाई हो रही है, सही है। आपने अपनी चाय की प्याली पर अपना दीन बेचेंगे, बिरयानी की प्लेट पर अपना दीन बेचेंगे, 1-5 पे दीन बेचेंगे। वो हुक्मरान उनका जिधर दाल लगेगा फिर वो अरबों डॉलर में आपको बेचेंगे, सही है। अब कभी भी अपना ईमान का सौदा ये 5,000 के लिए नहीं करना, 5,000-10,000 बिरयानी की प्लेट में नहीं करना अपना, सही है। इस वोट की ताकत आपकी बहुत ज़्यादा है, सही है। वोट हकदार को दें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, पूरी कौम माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला हमें सही हुक्मरान अता फरमा, सही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।